हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से अपना एक न्यू ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो ये ना वट सावित्री वाले दिन का ब्लॉग है। तो अभी ना मॉर्निंग में जो वट सावित्री के लिए जो पूजा बनती है, पूड़ी पुआ बरगदे, वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है। तो अभी बस इसको थोड़ा ना ठंडा होने के लिए रख दिया, तब तक हम लोग ना तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने ना ये येलो कलर की साड़ी वेयर की हुई है, ये ना मामा ने दी थी जब मैं उनके घर पे गई हुई थी। तो उन्होंने ना, मैंने सोचा सारा सामान दिखा देती, तो ये पायल दी थी और मुझे ना ये बिछिया दिए थे और ना कास्वी को एक पिंक कलर की बहुत सुंदर सी फ्रॉक दी थी, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर ना मैं नीचे आ गई थी, तो पूजा की थाली वगैरह ना रेडी होने से पहले ही लगा के रख दी थी। फिर ना महावर लगाया और हम लोग ऑटो से जा रहे हैं जहाँ पे बरगद का पेड़ है वहाँ। तो बस अभी इस ना कासवी को भी ले आई थी क्योंकि वो ना रोने लगी थी, तो उसको भी साथ में लेके तो ना आते, लेकिन वहाँ बहुत गर्मी थी और ये रोने लगी थी, तो उसको लेके आए। और साथ में ना इनको भी ले आए थे क्योंकि कासवी को गोदी लेने के लिए। तो अभी बस यहाँ पर हम लोग बरगद के पेड़ के पास बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पर ना अभी हम लोग अपनी पूजा को निकाल रहे हैं, लोटों पे ऐसे सात सात पूजा रखी जाती है, तो वो सब कर रहे हैं। और इस दिन ना सात पीले कलर के धागे बनाए जाते हैं जो कि बरगद पे चढ़ाए जाते हैं और ना इसके नीचे ही पहने जाते हैं, बरगद के नीचे। और इस दिन इस बरगद के साथ ना पैकर्मा भी लगाए जाते हैं और ना सात चने को ऐसे शरबत बना के लाना होता है, उसके साथ उस बरगद के नीचे से पीना होता है। तो अभी ना आगे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। और इस दिन ना कास्वी का 5th मंथ बर्थडे भी था, तो ना हम लोगों ने शाम को केक कट की हुई थी। वो वाला ब्लॉग ना मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी।
बस पूजा हो जाने के बाद ना हम लोगों ने थोड़ी बहुत वहाँ पे फ़ोटो क्लिक की थी, उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे। और शाम को हुआ था ना काशवी का बर्थडे का केक कट, जो कि मैं आपके साथ इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में वाला ब्लॉग शेयर करूँगी। सो आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा।